सो गाइस आज के वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे फ्री फायर के सेंटिनो कैरेक्टर के न्यू एबिलिटी के बारे में। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो अपना OB39 का अपडेट आया है, इसके बाद इस कैरेक्टर की एबिलिटी को थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, आज से गाइस करीब एक महीने पहले जब ये कैरेक्टर आया था तो उस टाइम पे मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर अच्छे से बताया था इसकी एबिलिटी, बट अभी जो है गाइस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। तो कोई ना, मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो अपना फॉर्ड कैरेक्टर है, इसकी एबिलिटी को भाई बोले तो पहले से पूरा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और हाँ गाइस, अगर आपको फ्री फायर के सारे कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में जानना है तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स बताना, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा जहां पे मैं आपको फ्री फायर के सारे कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पे गाइस हम लोग 300 कमेंट का टारगेट रखते हैं। अगर आप लोग 300 कमेंट कर दोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब चलो गाइस फटाफट से करते हैं वीडियो का स्टार्ट बिना किसी देरी के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ओके सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा अपना न्यू सेंटिनो कैरेक्टर जो कि एक एक्टिव स्किल है। इसका स्किल बटन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ऊपर पे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग इसके एबिलिटी को यूज़ करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया, तो ये सिंपल सा गाइस एक पुतला छोड़ेगा, देख सकते हो कुछ इस टाइप का। और ये जो पुतला है गाइस वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा 12 सेकंड तक। ठीक है, 12 सेकंड तक आपका जो पुतला है वो धीरे धीरे आगे की ओर जाता जाएगा, देख सकते हो कुछ इस टाइप से। अब गाइस यहाँ पे क्या है कि जब तक आपका पुतला आगे की ओर जा रहा है तब तक आप लोग जो फायरिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो जैसे नॉर्मल होता है। ठीक है, मूव वगैरह सब कुछ कर सकते हो। लेकिन गाइस इस 12 सेकंड के बीच में अगर आप लोग दोबारा से स्किल बटन पे क्लिक कर दोगे तो आप लोग जो है उसी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाओगे जहाँ पे आपका पुतला था। ठीक है, कुछ स्टेप से आप लोग देख सकते हो, बैकग्राउंड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो किस यहाँ पे पहले क्या था कि जो हमारा पुतला था वो एक ही जगह पे खड़ा रहता था, मतलब पहले वो पुतला जो था वो आगे की ओर नहीं बढ़ता था। ठीक है, लेकिन अभी गाइस ऐसा नहीं है। अभी इसके एबिलिटी को यूज़ करोगे तो आपका पुतला जिस भी डायरेक्शन पे आप यूज़ करोगे उसी दिशा पे आपका जो पुतला है सीधा आगे की ओर बढ़ता जाएगा और आप भी जो है इधर से उधर मूव कर सकते हो, जो कि गाइस यार मेरे ख्याल से पहले से काफ़ी ज़्यादा ओपी कर दिया गया है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग 60 मीटर से ज़्यादा रेंज पे हो जाते हो तो आप टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। मतलब कि आपने इसकी एबिलिटी को यूज़ किया, आपका पुतला आगे की ओर बढ़ रहा, ठीक है, और आप अगर पीछे की ओर चले जाते हो बहुत दूर, मतलब कि आपका जो पुतला है और आपके बीच का डिस्टेंस जो हो जाता है 60 मीटर से ज़्यादा, तो वैसे टाइम पे आप लोग टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, 60 मीटर के अंदर रहोगे तभी टेलीपोर्ट हो पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, भाई क्या होगा अगर कोई एनिमी हमारे पुतले को डैमेज देगा, मतलब कि हमारा पुतला आगे की ओर बढ़ रहा और रास्ते पे कोई एनिमी उस पे फायरिंग करेगा तब क्या होगा, क्या डैमेज हमें पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको बोल दूं कि ये जो आपका पुतला है ये भी 200 HP का है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर कोई एनिमी आपके पुतले को डैमेज देगा तो अगर उसको 200 का डैमेज पड़ जाएगा तो आपका जो पुतला है वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, लेकिन डैमेज जो है वो आपको नहीं पड़ेगा, आपका हेल्थ कम नहीं होगा। जब तक एनिमी आपको डैमेज नहीं देगा तब तक आपका हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और गाइस इस कैरेक्टर का जो कूल डाउन टाइम है वो है 80 सेकंड, मतलब कि जब एक बार इसकी एबिलिटी को यूज़ कर लोगे तो दोबारा से यूज़ करने के लिए आपको 60 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है अपडेट के बाद तो मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा ओपी लगा। बाकी आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको अब जो है ये कैरेक्टर की एबिलिटी कैसी लगी। ठीक है, अब चलो गाइस हम लोग बात करते हैं फोर्ड कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। ओके सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा अपना न्यू फोर्ड कैरेक्टर। एंड गाइस इसका जो बंडल है अपडेट के बाद सच में यार मेरे को काफी ज्यादा ओपी लगा। एंड अगर भाई गरीना वाले इसको थोड़ा सा गोरा कर देता तो और भी सही रहता। साले तू। और गाइस ये जो है टकला नहीं है, ठीक है, इसको मैंने टकला बनाया है क्योंकि यार ये वाला लुक ना मेरे को सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा। बाकी आप लोग बताना कि ये वाला लुक कैसा है। ठीक है, अब चलो गाइस बात करते हैं इसकी एबिलिटी के बारे में। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये है एक पैसिव कैरेक्टर और काफ़ी सिंपल सी एबिलिटी है कि अगर आपको डैमेज पड़ता है तो ये जो कैरेक्टर आपको 10 HP per second करके 3 सेकंड तक देगा, मतलब कि 30 HP आपको 3 सेकंड में देगा। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये जो डैमेज है वो किसी भी तरीके का होगा, जैसे कि मतलब अगर कोई एनिमी आपको डैमेज देता है उस टाइम पे भी ये आपको 30 HP देगा 3 सेकंड में। अगर किसी ऊंची जगह से कूदते हो आपको डैमेज पड़ता है तो वैसे टाइम पे ये आपको 30 HP देगा 3 सेकंड पे। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आप लोग जोन के अंदर रहते हो, ठीक है, जोन पे डैमेज पड़ता है तो वैसे टाइम पे भी ये आपको 30 HP देगा 3 सेकंड। ठीक है, जो कि मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा ओपी लगा। ऐसा नहीं है कि जब एनिमी आपको डैमेज देगा उसी टाइम पे देगा, नहीं,
आप लोग किसी ऊंची जगह से कूदोगे या फिर जोन का डैमेज खाओगे उस टाइम पे भी ये आपको एचपी देगा, ठीक है। और इसका जो कूल डाउन टाइम है गाइस वो है 20 सेकंड, मतलब कि जब एक बार इसके एबिलिटी को यूज़ कर लोगे तो फिर जो है 20 सेकंड के बाद अगर आपको डैमेज पड़ेगा तभी जो है आपको ये 30 एचपी देगा, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक कंडीशन है जैसे वो इसमें था गाइस बुकोंग में उसी तरीके का, कि जैसे आपने इसके एबिलिटी को यूज़ किया, ठीक है, अब जो है आपको 20 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस 20 सेकंड के पहले अगर आप लोग कोई एक्टिव स्किल यूज़ कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि ये देखो पैसिव कैरेक्टर है तो इसके साथ तो आप लोग एक्टिव स्किल लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर इस 20 सेकंड के पहले अगर आप कोई एक्टिव स्किल यूज़ कर लेते हो तो आपका जो कूल डाउन टाइम है वो रिसेट हो जाएगा, मतलब कि फिर दोबारा से आप लोग इसके एबिलिटी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक्टिव स्किल यूज़ करने पर जो कूल डाउन टाइम है वो हट जाता है, वो मतलब कि रिसेट हो जाता है, ठीक है। जो कि यार मुझे ये भी काफ़ी सही लगा। बाकी गाइस आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये टकलू कैरेक्टर कैसा लगा। मेरे ख्याल से भाई इसकी एबिलिटी भी काफ़ी सही है। आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। और हाँ गाइस, अगर आपको सारे कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में जानना है तो जाओ जरूर से जाके कमेंट कर दो, ठीक है। आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सो आज से मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, टेक केयर।